यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स की जो है वो जांच शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है वो कानों तक में जांच कर रहे हैं, कान में भी जांच चल रहा है कि कहीं ब्लूटूथ डिवाइस या कोई चीज जो है। अब ज्वाइनिंग का कहना बहुत मुश्किल है, कोर्ट केस फंसेगा, 100% ज्वाइनिंग नहीं होगा। हम लोग जो है सो आए हैं मॉक टेस्ट के लिए। हम लोग टीचर भी हैं पहले से, नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक तो आप लोगों ने तो बहिष्कार किया था इसका? बहिष्कार नहीं, हम लोग तो इसी में थे। अभी मान लीजिए कि पहले फॉर्म भर दिए। हम लोग एक ऑलरेडी प्राइमरी टीचर है। अच्छा अच्छा, 1-5 में। अच्छा अच्छा, अब जानते हैं स्कूल का काम के बाद तैयारी कैसा ही होगा। अच्छा, उम्मीद है कि निकल जाए। तैयारी तो दिन बाद एक करके तैयारी की है, बट बीएड के लिए कोई क्लियरेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा मन में डाउट है। बिल्कुल परीक्षा तो दे ही देंगे, तैयारी किए हैं तो देवे ही करेंगे। वो तो सर बहुत कष्ट होगा, क्योंकि सीटेट टेट दोनों पास आए, उसके बाद भी बीएड को हटाया जा रहा है, तो बहुत दुख की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेशपुरी। आज से यानी कि 24 अगस्त से बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा शुरू हो गई है। अभी हम हैं पटना के गोलघर के पास जो है बाकेपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और यहां आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं। 7:30 से एंट्री है, 9 बजे तक एंट्री दी जाएगी, 3 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। यहां पर छात्र भी हैं। कहां से आप आए हुए हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। अच्छा, ये बताइए आप DL-ED धारी हैं या BED धारी? जी, मैं BED धारी। और प्राइमरी के लिए अप्लाई किए थे? हाँ, प्राइमरी के लिए अप्लाई किए थे। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया हुआ था, इसीलिए प्राइमरी के लिए, दोनों के लिए अप्लाई। मैं हाई स्कूल में भी हूँ। अच्छा, तो मेरा ये बीएड की हूँ डाला था, तो एग्जाम का फॉर्म भरा था, इसलिए मैंने 1-5 भी भरा। अच्छा, और ऐसे मैं स्टेट हिंदी से मेरिट लिस्ट में भी था। कितनी तैयारी है आपकी? अच्छी तैयारी है। जी, आपका एकदम बच्चा करके आएंगे? एकदम। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। आप कहाँ से आए हुए हैं? लरनिया, मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं, तब कैसी तैयारी है आपकी? परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तैयारी तो दिन बाद एक करके तैयारी की है, बट बीएड के लिए कोई क्लियरेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा मन में डाउट है। अच्छा, 1-5 के लिए ही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना कॉन्फिडेंस है आपको? आपको लेकर अनिश्चितता का एक माहौल है। यही तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि सरकार क्या कर रहे हैं, कुछ क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हम लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। तो परीक्षा को लेकर आप हैं पूरा इफिशियंसी से आप देंगे परीक्षा? बिल्कुल, परीक्षा तो दे ही देंगे, तैयारी किए हैं तो देवे ही करेंगे। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट, और आशा करेंगे कि आगे आपके लिए कोई सकारात्मक फैसला आए। सिवान से हैं। सिवान से आए। और कैसा तैयारी है? तैयारी तो हम लोग का ठीक ठाक है। हम लोग एक ऑलरेडी प्राइमरी टीचर है। अच्छा अच्छा, 1-5 में। अच्छा अच्छा, अब जानते हैं स्कूल का काम के बाद तैयारी कैसा ही होगा, लेकिन उम्मीद है कि निकल जाएगा। लेकिन शिक्षक संघों ने कहा था कि नियोजित शिक्षक नहीं डालेंगे फॉर्म, आप डालें, कितना विश्वास है आपको इस परीक्षा से? जब डाले हैं तो देने लिए आ गए हैं लोग। अच्छा, चलिए, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा जाए आपका एग्जाम। आप कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से हैं। हाँ, किस क्लास के लिए अप्लाई किए? हम तो +2 के लिए भी किए हैं और प्राइमरी के लिए, दोनों के लिए किए हैं। अच्छा, कैसा तैयारी है? तैयारी तो आयोग के द्वारा बहुत ही कम समय दिया गया है, लेकिन फिर भी जितना समय मिला उसकी अपेक्षा हम लोगों ने तैयारी किया है। और ये तैयारी में BPSC का एग्जाम है और शिक्षक वाले लोग तो नियोजन ही होता था, तो कितना मुश्किल रहा इतने कम समय में तैयारी करना? ये तो आयोग ही निर्धारित करेगा कितना समय दिया है, और सरकार के द्वारा जो भी दिया समय दिया गया उससे हम लोग उसी के अनुरूप हम लोगों ने अपनी तैयारी किया है, और आशा है कि हम लोग सफलता मिलेगी। ये भी डर है क्या कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, जैसे कि अफवाहें उड़ती हैं? अभी तो आयोग के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है, परीक्षा को लेकर के सारी तैयारी बहुत अच्छी मुस्तैदी तरीके से की गई है। मुझे आशा है कि ये परीक्षा शांतिपूर्ण और अच्छा तरीके से संपन्न होगी। चलिए, हम लोग को भी यही आशा है, ऐसा ही होगा। आप कहाँ से? सर, आए सुपौल जिला से। सर, सुपौल जिला से। क्या कैसी तैयारी है आपकी?
सर कम समय में प्रयास किए हुए हैं, देखिए क्या होता है। आप किस क्लास के लिए अप्लाई किए हैं? 1-5 और हाई स्कूल के लिए है, लेकिन बीएड को लेके संशय बना हुआ है। आपकी बीएड धारी? हाँ, 1-5 में संशय बना हुआ है। अच्छा, देखिए क्या होता है। मानिए आप लोग परीक्षा देते हैं, 1-5 के लिए रिजल्ट नहीं आता है, आप लोग का चयन नहीं होता, कितना दुख होता है ये सोचकर? वो तो सर बहुत कष्ट होगा, क्योंकि सीटेट टेट दोनों पास हैं, उसके बाद भी बीएड को हटाया जा रहा है, तो बहुत दुख की बात है। दुख की बात है, चलिए, लेकिन आपका एग्जाम अच्छा जाए प्लस टू के लिए, हम आशा करेंगे। और भी लोग हैं, आप सर कहाँ से आए? सर हम छपरा से हैं। छपरा से जी। आप कैसा तैयारी है? तैयारी सर अच्छी है, क्योंकि समय कम समय मिला, बहुत कम समय मिला। और ये बीपीएससी से परीक्षा हो रहा है, सरकार का इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? सर कदम तो उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना हम लोग ऑलरेडी स्टेट हैं, हम लोग मेरिटधारी भी हैं, उसके बाद फिर सरकार जो है ना हम लोग पर जबरदस्ती थोप दी मेरिट बनाने के बाद भी, जो है ना कि आप लोग बीपीएससी के अंतर्गत चलिए एग्जाम दीजिए, तो कहीं तक तो वो उचित नहीं है। लेकिन देखिए आगे क्या करती है, अब सरकार की बात है तो उसको मानना पड़ेगा। सरकार की बात है मानना पड़ेगा। और क्या आप 1-5 के लिए भी अप्लाई किए? 1-5 के लिए भी। ये डिग्री रही है, कितना दुख हुआ इस फैसले के बाद, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया? सर दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि अभी भी है, चूँकि स्पष्टीकरण आज तक भी नहीं है, एग्जाम है उसके बाद दे रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं दरभंगा बिहार, दरभंगा से आए हुए हैं। किस क्लास के लिए अप्लाई किए हैं? 1-5 के लिए है। बीएड डिग्री धारी है जी। तो आप लोग के लिए तो एक तरह से बड़ा अनिश्चितता वाला माहौल है जी। जी, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए परीक्षा के लिए इतना, जब परीक्षा में आपका आगे होने का जो है बड़ा ही प्रश्न लगा हुआ है? कॉन्फिडेंस का के सारा काम कर ही चुके हैं, अब हो थोड़ी सी उम्मीद बची है कि हो सकता है कुछ आदेश आ जाए ना। अच्छा, इसलिए आ गए। तैयारी का किए पूरा, समय मिला आपको? हाँ, तैयारी तो किए हैं पूरा। अच्छा, तैयारी किए हुए जी। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एंट्री लगभग शुरू हो गई है, और जो कैंडिडेट हैं वो पहुँच गए हैं यहाँ पर, एंट्री शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 9 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि एंट्री जो है वो 9 बजे के बाद बंद हो जाएगा। सभी दस्तावेज आप क्लियर कर ले, देख ले। आप कहाँ से सर आए हुए? मैं सिवान से। सिवान से आए हुए हैं, किस क्लास के लिए अप्लाई किए? मैं हाई स्कूल प्राइमरी, दोनों हाई स्कूल प्राइमरी। बीएड डिग्री धारी हैं जी। जी सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कितना दुखदायी था वो? जी, ये तो पॉलिसी है सरकार की, एनसीटी की है, इन्होंने जो रूल बनाया फिर बाद में चेंज किया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पास किए हैं ना, जैसे 2018 से उन्होंने बीएड को ऐड किया है प्राइमरी के लिए, तो 2018 से लेकर 2023 तक जो भी सीटेट पास है उनको इंट्री करना चाहिए, उनको एलिजिबल बताना चाहिए। उसके बाद अगर आप बना रहे हैं तो उनको एंट्री ना दो वो अलग है, क्योंकि डीएलएड वाले ही एलिजिबल थे पहले, लेकिन 2018 के बाद हमने पास किया है मेहनत करके ना, तो ये तो नाइंसाफी हो गई ना हमारे साथ। तैयारी कैसा है इन सब के बीच में? बड़ा ही अनिश्चितता का माहौल रहा, तैयारी कैसा हो पाया? ये जितना भी तैयारी किया जाए उतना ही कम लगता है ना। अच्छा, जितना भी पढ़ेंगे तो उतना ही कम लगता है। अब पेपर देने के बाद पता चलता है कि कैसे हमने तैयारी किया, किस तरह से तैयारी किया। तैयारी तो आदमी कई तरह से करता है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या है आपकी ये देखना पड़ता है। स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आपका पेपर आता है तो समझ लीजिए कि पेपर हमने पढ़ाई किया, लेकिन ऐसे अभी नहीं किया जा सकता ना कैसे पढ़ाई। पढ़ाई तो आदमी सब करता है, लेकिन स्ट्रेटजी किस तरह से है, किस तरह से पेपर का पैटर्न देने के बाद मालूम चला। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच। और भी लोग हैं यहाँ पर। एक मिनट सर, आप कहाँ से आ रहे हैं परीक्षा देने? समस्तीपुर से आ रहे हैं जी। जी, कैसा तैयारी है? ठीक है। किस क्लास के लिए अप्लाई किए? हम तो 1-5 के लिए, अभी ये जो है ना अभी आज का एग्जाम 1-5 के लिए है। अच्छा, 1-5 के लिए ही किए हैं। बीएड डिग्री धारी हैं? बीएड डिग्री धारी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बड़ा आप लोगों को मायूस किया होगा? एक्चुअली मायूस किए हुए हैं, अब उस पर डिसीजन जो बिहार सरकार सोचे। और सरकार के द्वारा तो अभी तक कोई इस पर स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ हाँ, यही तो उलझन की समस्या है। चलिए, इतना अनिश्चितता में आप कितना कॉन्फिडेंस है आप में कि आप अच्छा प्रदर्शन करें? मतलब प्रदर्शन तो अच्छा होगा ही, रिजल्ट आएगा, कन्फर्म है रिजल्ट आएगा। हाँ, ज्वाइनिंग होगा कि नहीं? अब ज्वाइनिंग का कहना बहुत मुश्किल है, कोर्ट केस फंसेगा, वो 100% ज्वाइनिंग नहीं होगा। हम लोग जो है सो आए हैं मॉक टेस्ट के लिए। चलिए, मॉक टेस्ट के लिए आए हैं, लेकिन आपको इसके लिए भी शुभकामनाएं, और आशा करेंगे आपका रिजल्ट, नौकरी भी आपका हो। आप कहाँ से सर आए हुए? हम गोपालगंज जिला से आए हुए। गोपालगंज जिला से आए। किस क्लास के लिए अप्लाई किए? अप्लाई तो तीनों के लिए किए हैं। तीनों के लिए? जी। कितना तैयारी है? तैयारी ठीक ठाक है अभी तो।
कॉन्फिडेंस में है कि इस बार निकाल लेंगे? हाँ, कॉन्फिडेंस में है, हम लोग टीचर भी हैं पहले से। पहले से टीचर हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक हैं। तो आप लोगों ने तो बहिष्कार किया था इसका? बहिष्कार नहीं, हम लोग तो इसी में थे। अभी मान लीजिए कि पहले फॉर्म भर दिए, बहिष्कार हुआ था, लेकिन मेन हाई स्कूल है, 10+2 है। उसके कह रहे हैं कि आपका हो जाएगा, सैलरी कम हो जाएगा, एक्सपीरियंस घट जाएगा। और मिला हुआ है वेतन संरक्षण का लाभ, मिला हुआ है, वेतन मिल गया है। हाँ, 3 अगस्त को मैंने नीतीश कुमार पास किए हुए हैं। एकदम निकाल लेंगे, आप कॉन्फिडेंस है पूरा? हाँ, निकल तो जाना चाहिए। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट, आप आशा करेंगे कि आपका हो जाए रिजल्ट। और भी लोग हैं, आप कहाँ से हैं? हम छपरा से आए हुए हैं। छपरा से आए हुए हैं, किस क्लास के लिए अप्लाई किए? हम 1-5 के लिए आज एग्जाम है, और +2 के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं। अच्छा, बीएड डिग्री धारी है? हाँ, बीएड डिग्री धारी। कितना दुख होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑप्शन आप लोग के लिए खत्म हो गया? खैर, लतफामी तो हो ही है, जो होगा सो होगा, एग्जाम देना है। तैयारी उसके बाद समय बड़ा कम, तैयारी अच्छा है, पहले से ही तैयारी है। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छे से जाए। तो आपको बता दें हम कि ये जो है बाकेपुर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स की जो है वो जाँच शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है वो कानों तक में जाँच कर रहे हैं, कान में भी जांच चल रहा है कि कहीं ब्लूटूथ डिवाइस या कोई चीज़ जो है वो आप लेकर तो नहीं आए हैं। तो यहां पर जो है वो जांच बड़ी बारीकी से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा एक कमांड कंट्रोल रूम भी अपने ऑफिस में बनाया गया है, जहां से एक एक सेंटर पर, एक एक क्लासरूम में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, उन सभी को देखा जा रहा है। तो यहां पर जो कैंडिडेट हैं वो पहुंचे हुए हैं, और पूरे बिहार के 3800 जिला में 850 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आज शुरू हो गई है, 3 दिनों तक चलेगी, और ये देश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कानों की जाँच जो है वो सिपाही जी कर रहे हैं कि कहीं कान में कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं लगाया हुआ है। और पूरा गहन जो कहा जाता है ना, जांच प्रक्रिया के बाद कैंडिडेट्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी, सेकेंड फेज में भी यही स्थिति रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जांच की जा रही है यहां पर, जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बीपीएससी का जो ये परीक्षा है ये शुरू होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी परीक्षा है। और जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।